नमस्कार, आप देख रहे हैं वाईएस न्यूज। नंबरवाद में प्रशिक्षणाधीन पुलिस उपाधीक्षक सुश्री अपेक्षा निम्बाडिया का जनपदीय व्यावहारिक प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मोरवाद द्वारा अन्य पुलिस कर्मियों की उपस्थिति में स्टार लगाकर दी गई शुभकामनाएं। इधर मोरवाद के नगर निगम कैंप कार्यालय पर पहुंचे शिवसेना के पदाधिकारियों ने किया प्रदर्शन, नगर आयुक्त को सौंपा ज्ञापन। शहर के कई वार्ड में सफाई व्यवस्था दुरुस्त न होने के कारण स्थानीय निवासियों को हो रही है परेशानी, टूटी सड़कें बन रही हैं हादसों का शिकार। शिवसेना के जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने दी चेतावनी, समस्या का न हुआ समाधान तो होगा आंदोलन। इधर मोरवाद के जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने प्रशासनिक अमले के साथ कोविड-19 हेल्प डेस्क का किया निरीक्षण। जनपद में 100 से अधिक कोरोना पॉजिटिव केस मिलना चिंता का विषय, चैनल के माध्यम से जनपद वासियों से कोविड-19 गाइडलाइन का पालन किए जाने की जरूरत पर दिया जोर। इधर लाकड़ी फाजलपुर मिनी बाईपास पर इलेक्ट्रिक बस चार्जिंग स्टेशन बनकर हुआ तैयार, देर शाम को चार्जिंग बस स्टेशन का किया जाएगा मुख्य अतिथियों द्वारा शुभारंभ, मंगलवार को तैयारियों में दिया गया अंतिम रूप। इधर पाकवड़ा हासमपुर चौराहे से तालाब में डाला जा रहा है कचरा, कचरे में लगी आग से उठा धुआं से स्थानीय निवासी और राहगीरों को हो रही परेशानी। मोरवाद दिल्ली रोड नया मोरवाद स्थित उजाला सिग्नस ब्राइट स्टार हॉस्पिटल अब नई सुविधाओं के साथ जनता के बीच। हॉस्पिटल में यूनिक कार्डियोलॉजी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाई एंड कैथ लैब का हुआ शुभारंभ। हॉस्पिटल प्रशासन ने कहा, बड़े शहरों की तर्ज पर अब आप मुरादाबाद में भी बेहतर स्वास्थ्य सेवा देने के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में बढ़ेगा मुरादाबाद। जिलाधिकारी सुरेंद्र कुमार सिंह ने मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के साथ ली बैठक, चुनाव आयोग द्वारा प्राप्त दिशा निर्देश से राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को कराया गया अवगत, मांगा सहयोग, वैक्सीनेशन पर दिया जोर। इधर जिला अस्पताल की नई मैट्रन ने संभाला चार्ज, मोरवाद जिला अस्पताल की चीफ मैट्रन प्रीतम के सेवानिवृत्त हो जाने के बाद आज से जिला अस्पताल की चीफ मैट्रन सरोज मौर्य ने चार्ज संभाला। इस मौके पर एडिशनल सीएमएस डॉक्टर राजेंद्र कुमार व अन्य स्टाफ के लोगों ने उन्हें को बुक देकर किया सम्मान, शुभकामनाएं देते हुए उनका स्वागत किया गया। इधर जिला महानगर कांग्रेस कमेटी के संयुक्त तत्वाधान में कलेक्ट्रेट पर किया गया प्रदर्शन, सहारा इंडिया फाइनेंस कंपनी सहित अन्य फाइनेंस कंपनियों द्वारा निवेशकों का पैसा हड़प लिए जाने का लगाया आरोप, इनकी संपत्तियों को जब्त करके निवेशकों का पैसा वापस दिए जाने की उठाई मांग। इधर मोरवाद के मिड टाउन होटल में जैमिनी साहित्य फाउंडेशन द्वारा पुस्तक विमोचन कार्यक्रम का हुआ आयोजन, कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मंडलायुक्त महापौर ने पहुंचकर दी बधाई, साहित्यकारों को किया सम्मानित। अध्यक्ष डॉक्टर काव्य सौरभ रिस्तोगी ने कहा, भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए किया जा रहा है काम। इधर सांसद रामपुर मोहम्मद आजम खान की पत्नी विधायक तंजीम फातिमा द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर हाई कोर्ट के निर्देश पर अमल शुरू, आजम खान उनके पुत्र पूर्व विधायक अब्दुल्ला आजम व अन्य सपा नेताओं के MP MLA स्पेशल कोर्ट में विचाराधीन मुकदमों को ACGM 4 कोर्ट में किया गया स्थानांतरित, आजम खान के वरिष्ठ अधिवक्ता वीरेंद्र शर्मा ने दी जानकारी। इधर मोरवाद जनपद में आबकारी विभाग द्वारा अवैध शराब के खिलाफ अभियान जारी, थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत धातु कॉलोनी में कच्ची शराब की पुलिस ने तोड़ी भट्टियां, कई लीटर शराब की नष्ट। आबकारी विभाग के अखिलेश कुमार ने बताया, आबकारी आयुक्त के दिशा निर्देश पर लगातार चलाया जा रहा है अभियान। इधर जनपद मोरवाद के कुंदरकी नगर पहुंचे AIIMIM के राष्ट्रीय अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी, कार्यकर्ताओं ने किया जरम जोशी के साथ स्वागत। आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कुंदरकी पहुंचे असुद्दीन ओवैसी ने भाजपा, सपा, बसपा व कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा जनता की एक ही हितैषी पार्टी है और है AIIM। भारी संख्या में कार्यकर्ता, नेता व समर्थक रहे मौजूद। इधर श्री हरि विराट संकीर्तन सम्मेलन समिति रजिस्टर्ड मोरवाद 82वें वार्षिक अधिवेशन के चतुर्दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत मंदिर माता श्री अन्नपूर्णा जी महारानी मोहल्ला साहू के प्रांगण में पंडित राजकुमार गोस्वामी की संगीत मंडली ने सुमदुर वाड़ी से रामचरित मानस के सुंदर कांड पाठ का संगीतमय किया आयोजन।